भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है और गांवों की आत्मा उसके किसानों में है, लेकिन आज यह आत्मा संकट में है। भारतीय किसान आज कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। सरकारी नीतियां, बढ़ती लागत और फसल की खराबी जैसे मुद्दे उनके जीवन को कठिन बना रहे हैं। किसान अपनी फसल उगाने के लिए भारी कर्ज लेता है, लेकिन कभी कभी फसल की बर्बादी या गिरती कीमतों के कारण वह कर्ज चुकता नहीं कर पाता। यही वजह है कि किसान आत्महत्या करने तक मजबूर हो जाते हैं। कभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, तो कभी उनकी उपज को सही समय पर खरीदने वाली कोई व्यवस्था नहीं होती। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि भी किसानों की मुसीबतों में और इजाफा कर देती हैं। किसानों की मेहनत अक्सर उनके हाथों से निकल जाती है जब फसल खराब हो जाती है या बाजार में उसकी कीमत गिर जाती है। किसान की स्थिति को सुधारने के लिए हमें सही नीतियों, बेहतर फसल बीज और उचित वित्तीय मदद की जरूरत है। यदि हम किसानों की मदद करें तो हम अपने देश को समृद्ध बना सकते हैं। भारतीय खेती में मुश्किलें, पिछले 10 साल में 1,12,000 से ज्यादा भारतीय किसानों ने खुदकुशी कर ली है। सिर्फ 2022 में ही 11,290 किसानों ने अपनी जान ले ली। सोचिए, ये नंबर कितना डरावना है। इन मौतों के पीछे बहुत सी वजहें हैं। जलवायु परिवर्तन, खेती की बढ़ती कॉस्ट और कर्ज का बोझ। 2018 तक आधे से ज्यादा किसान परिवार कर्ज में डूबे हुए थे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ये संकट और भी गंभीर है। जलवायु परिवर्तन ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। सूखे और बेमौसम बारिश ने फसलों को तबाह कर दिया है। छोटे किसान, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। उनके पास इन मुसीबतों से लड़ने के तरीके नहीं हैं। सरकार ने बहुत से सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बताती है। किसानों के पास आजीविका के दूसरे रास्ते नहीं है। गरीबी और बेरोजगारी इस मुश्किल को और गहरा कर रही है। सरकार से नाराजगी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की खुदकुशी खत्म करने का वादा किया था, लेकिन वादे ही रह गए। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के दाभाड़ी गांव में, जहां मोदी जी ने किसानों से बात की थी, आत्महत्याएं बढ़ गई हैं। किसानों का कहना है कि सरकार की स्कीम्स काफी नहीं है। खेती की बढ़ती कॉस्ट ने उनकी तकलीफें और बढ़ा दी हैं। मोदी जी के 5F फॉर्मूला जैसी स्कीम्स हकीकत में नहीं उतरी हैं। किसानों को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। मोदी जी की बार बार की आउटरीच कोशिशों और जनसभाओं के बावजूद किसान नाराज हैं। उनके वादे अधूरे रह गए और किसानों की लड़ाई जारी है। ये वक्त है कि हम इस गंभीर मुद्दे को समझें और किसानों की मुश्किलों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएं। धन्यवाद।